में बॉस कभी है ना अनएथिकल मत बनना, क्या अनएथिकल मत बनना। एक सेठ था, बड़ा दयालु और बड़ा धार्मिक, दूर दूर से है ना लोग उसके पास पैसे लेने आते थे। और सेठ का बड़ा सिद्धांत था, कोई आया, उन्होंने वहां मुनीम बिठा रखा था, कोई बोलता कि भैया कितने दिनों से पैसा देगा, मुनीम पूछता, कोई बोलता मैं 15 दिन से दूंगा, कोई बोलता महीने से दूंगा, कोई बोलता साल भर से दूंगा, कोई बोलता 10 साल से दूंगा, जो जैसा बोलता वैसा मुनीम लिख देता, कोई बोलता मैं अगले जन्म में दूंगा। सेठ ने बोला हुआ था जो जैसा मांगता वैसे देते। अब ये चर्चा गांव गांव फैल गई और एक छोर को मालूम पड़ा क्या ऐसा कौन मूर्ख सेठ है जो अगले जन्म की भी तैयारी कर रहा है। वो छोर वहां आया, छोर आया और मुनीम जी को बोला, मुनीम जी अपने तो अगले जन्म में देना है। क्या बोला? अगले जन्म में देना है। तो मुनीम जी ने तो लिख दिया। और इसका मकसद क्या था कि तिजोरी में माल कितना है, तो वो जब पैसे देने लगा ना तो उसकी नजर उस तिजोरी के ऊपर पड़ी, देखा यार ये अपने उधार उधार क्या लगे, इसकी तिजोरी पार कर दे। तो रात के टाइम वो बोला अपने काम करते, सेठ के यहां जाते, रात सेठ सोया हुआ होगा। रात को सेठ के घर में घुसा, तो घुसा तो देखा कि सेठ अभी तक जाग रहे हैं, तो वो उनके भैंसों के तबेले में जाके बैठ गया। कहां बैठ गया? भैंसों के तबेले में। भैंसों के तबेले में बैठा। इतने में एक भैंस आई, तो वो दूसरी भैंस को बोलती है कि बहन तू कब आई? कि मैं अभी आई। बोले क्या हुआ था? कि मैं सेठ के पास पैसा लिया था और बोला था कि अभी से अगले जन्म में चुकाऊंगी, तो अभी ये मैं दूध दे के चुकाना पड़ रहा है मुझे। तो वो दूसरा बोली तू कितने साल से इधर? बोले मैं पिछले 3 साल से दे रही हूं मेरा कर्जा मैं। और चौथी बोली मैं 6 साल से दूध दे रही हूं। अब वो ये चोर सब सुन रहा था, उसके होश फाकते हो गए, कहला इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। अब वो क्या किया, वहां से भागा भागा और मुनीम के पास जाकर बोला मेरी रसीद तू पहले काटे, पैसे ले। तो बॉस जिंदगी में कभी अनएथिकल मत बनना। 2 पैसे कम कमा लेना, कम कमा लेना चलेगा बॉस, पर किसी का पैसा खाया हुआ है ना बूमरैंग करके वापिस आता है, और ये 2 रुपया है ना 2000 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। तुम्हारा हिसाब किताब में तो घोटाला हो सकता है, ऊपर एक सीए बैठा है, उसका नाम है चित्रगुप्त, उसके अकाउंट चल रहा है। तो बॉस जिंदगी में कभी है ना अनएथिकल मत बनना, प्यार से रहो, मस्ती से रहो, अपनी औकात में रहो, दूसरे का पैसा कभी मत खाओ।